नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो कि 2023 की हो रही है, जो भी विद्यार्थी पीजी का एंट्रेंस दे रहे हैं, यानी कि जिनको पीजी की प्रवेश परीक्षा देनी है, एमए, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीएड, जो भी प्रवेश परीक्षा अगर आपको देनी है, तो उसके पहले, प्रवेश परीक्षा देने के पहले सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है। पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है इसके पहले के वीडियो में, साथ ही साथ आपको गैप ईयर के नंबर के विषय में बता दिया गया है, लेकिन सिलेबस क्या रहने वाला है इस पर बहुत बड़ा डिबेट होता है कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी को करें कि जिससे सिलेबस को कवर करते हुए हम बेहतर नंबर पा सकें। सबसे पहले तो 50 सवाल सबके कॉमन रहते हैं, जो 50 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और उसके बाद आपका रहेगा थोड़ी सी रीजनिंग रहेगी, हल्की फुल्की मैथमेटिक्स रहेगी, और जो भी मिला जुला के 50 सवाल आपके वो बहुत आसान रहने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी उठती है किसमें, सबसे बड़ी समस्या हमें फेस होती है सब्जेक्ट वाले में, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, जिनका एमएससी करना है, जिनको एमए करना है, जिनको एमकॉम करना है, उनके लिए सबसे सिंपल सी बात है कि आपने ग्रेजुएशन में जितना पढ़ा है, यानी स्नातक में आपने जितना पढ़ा है, उतना आपके सिलेबस में आएगा। मान लीजिए कि आपका एंशियंट सब्जेक्ट है, तो एंशियंट में आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए में जितना पढ़ा है, वही आपका सिलेबस रहेगा। अगर मान लीजिए आपका फिलॉसफी है, आपका हिंदी है, आपका फिजिक्स है, आपका मैथमेटिक्स है, आपका जूलॉजी है, आपका बॉटनी है, आपका केमिस्ट्री है, कुछ भी अगर आपका है, तो आपने जो 3 सालों में पढ़ाई की है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन्हीं 3 सालों की पढ़ाई ही आपके पेपर में आने वाली है। यानी कि जो 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, वो 50 क्वेश्चंस आपके इन्हीं 3 साल के पढ़ाई पे आपके नहीं। जैसे कि आपका हिंदी है, तो हिंदी में आपने अपठित काव्य, अपठित गद्य पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आधुनिक काव्य, आधुनिक मध्यकालीन काव्य, उसके बाद फिर आपने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और प्रयोजन मूलक हिंदी आपने पढ़ा था, तो यही पूरा हिंदी का सिलेबस है। फिलॉसफी में आपने ज्ञान मीमांसा, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, लॉजिक आपने पढ़ा था, धर्म दर्शन आपने, नीति शास्त्र पढ़ा था, ये सारी चीजें आपकी फिलॉसफी की हो गई। एंशियंट में आपने, आप कहाँ से शुरू करते हैं, आप वैदिक काल, ये सारी चीजें आप नौ पाषाण, पूरा पाषाण काल से स्टार्टिंग करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आते हैं, उसके बाद ताम्र पाषाण, जो भी लौह कालीन युग, सारी चीजें आते आते फिर आप सब काल पे आते हैं, कनिष्क तक आते हैं, जो भी चीजें एंशियंट में है वहां तक आपको कवर करनी पड़ेगी। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी 3 साल में आपने जितनी पढ़ाई की है स्नातक में, वही आपका सिलेबस रहने वाला है। एलएलबी के सिलेबस की बात करें तो एलएलबी के सिलेबस में सबसे बड़ा जो वेटेज रहता है वो लीगल एप्टीट्यूड का रहता है। ये बहुत बड़ा एक तरीके से कवर करता है। पिछले साल बहुत सारे सवाल लीगल एप्टीट्यूड से आए थे और इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती है, साथ ही साथ हिंदी का भी बहुत वेटेज रहता है, तो एलएलबी वाले छात्र इन सब का ध्यान दें, रीजनिंग, हिंदी, लीगल एप्टीट्यूड और इस तरीके से थोड़ी सी पॉलिटी भी आप कवर कर लीजिए, क्या क्या प्रावधान है, तो ये एलएलबी का रहता है सिलेबस। एलएलएम का भी सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, बीएड में भी ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल इसका स्टैंडर्ड हाई रहता है, तो इतना आसानी से आप मत लीजिएगा कि इतनी आसानी से आप परीक्षा दे लेंगे और आप पास हो जाएंगे, मेहनत आपको करनी होगी, उसके लिए आप अभी लग जाइए। 50 सवाल सबके कॉमन रहने वाले हैं, बाकी की 50 सवाल आपके सब्जेक्ट से वो 4 नंबर के रहेंगे। एलएलबी वालों का पेपर 150 सवाल होगा, जिसमें उनका 2 नंबर का सवाल रहेगा। मैंने सारी चीजें क्लियर की है, बाकी आप ब्रोशर्स जब देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। बाकी कहीं से भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैसेज का जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो तो पता ही चलेगा। लेकिन ये आपका सिलेबस है, सिंपल सी बात है कि आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसके साथ साथ रीजनिंग और थोड़ा सा मतलब बुद्धिमत्ता वाले सवाल लगा लीजिएगा नॉर्मल, और इसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज बहुत रहता है। 50 × 4 = 200, 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट आपका अगर मजबूत रहेगा तब आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी बहुत सारी सीटें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप सीटों की चिंता मत करिए, बाकी आप पढ़ते रहिए और लगातार जुड़ते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के साथ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।